कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे, ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं, कौन तो इसमें बुरी बात क्या है? तो कल आप जा भी रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के सहनशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को, बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा।